सब्सक्राइब कीजिए AQ Tech हिंदी चैनल को और दबाइए इस बेल बटन को टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों, रेडमी फ़ोन्स में जो है आप वीडियो टूल बॉक्स कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो वो आज मैं आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। सबसे पहले दोस्तों, आपको जो है रेडमी फ़ोन की सेटिंग्स में जाना है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद दोस्तों, आपको जो है यहाँ पर इस स्पेशल फीचर का जो ऑप्शन है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। फिर जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं वीडियो टूल बॉक्स, इसके ऊपर आपको जो है क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों, आपको जो है यहाँ पर वीडियो टूल बॉक्स इस फीचर को भी जो है आपको ऑन कर देना है। उसके बाद यहाँ पर वीडियो टूल बॉक्स शॉर्टकट, इस फीचर को भी जो है आपको ऑन कर देना है। उसके बाद आप जो है यहाँ पर से इसकी शॉर्टकट लोकेशन जो है चेंज कर सकते हैं, लेफ्ट भी रख सकते हैं, राइट भी रख सकते हैं। तो मैं इसको लेफ्ट ही रहने देता हूँ। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मैनेज वीडियो ऐप्स, इसके ऊपर क्लिक कर आप जो है जो भी ऐप्स में जो है वीडियो टूल बॉक्स यूज़ करना चाहते हैं, तो आप जो है वो ऐप्स को जो है यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए। जैसे कि यहाँ पर मैं यूट्यूब सेलेक्ट कर लेता हूँ अभी। तो जैसे कि अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं वीडियो जो है यहाँ पर मैं प्ले कर दिया हूँ। अभी आपको जो है यहाँ पर लेफ्ट से स्वाइप करना है, तो आप जो है यहाँ पर देख सकते हैं आपके पास जो है यहाँ पर वीडियो टूल बॉक्स जो है शॉर्टकट में आ गया है, जिसमें आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कास्ट है यहाँ पर, और बहुत सारे फीचर्स हैं। जैसे कि अभी यहाँ पर मैं गूगल क्रोम को ओपन कर लेता हूँ। देख सकते हैं आप यहाँ पर जो है गूगल क्रोम एक अलग विंडो में जो है ओपन हो गया है। तो दोस्तों, इस तरीके से जो है आप वीडियो टूल बॉक्स को जो है यूज़ कर सकते हैं रेडमी फ़ोन्स में। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बिना मत जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।